हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि वेटरनरी एचडीपी में कॉलेज अलॉट होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करना है, और जो भी परफॉर्मे बनते हैं वो कैसे बनाना है, हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए, आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सब कुछ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा फीस लेके जानी है, और चारों जो परफॉर्म है वो आपको रेडी करके लेके जाना है। और देखिए, सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलावा आपको दो दो सेट उनकी फोटोकॉपी करवा लेनी है, और दो दो सेट वो लेके जाने, ओरिजिनल तो लेके जाने, उसके अलावा दो दो सेट वो भी लेके जाने। अब देखिए, प्रोफेशनल फीस तथा संस्थान शुल्क, यानी आपकी जो कॉलेज की फीस है, सब कॉलेजों की अलग अलग फीस है, तो वो पूरी आपको फीस लेके जानी है, टोटल जितनी भी है वो लेके जाना। इसके अलावा यदि आपके फीस से संबंधित कुछ डाउट है कि आपकी पूरी फीस नहीं कर पा रहे हो, कुछ टाइम लेना चाहते हो, तो इसके बारे में आप कॉलेज वाले से बात करिए पर्सनली कि सर मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं 5 दिन में 10 दिन में दे दूंगा। कॉलेज वाले मान जाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी फीस आप लेके जाना। आगे देखिए, हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रति, यानी आपने जब काउंसलिंग करवाई थी तब आपको जो प्रिंट मिला था वो आपको लेके जाना है। देखिए, सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका, यानी आपने 10th की है उसकी आपकी जो मार्कशीट है वो लेके जानी है, और आपका जो माइग्रेशन उसके साथ आता है मार्कशीट के साथ वो लेके जाना है। आगे देखिए, कक्षा 12 यानी आपकी जो 12th है उसकी आपको मार्कशीट लेके जानी है, और जो माइग्रेशन है वो लेके जाना है। आगे है मूल निवास लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, स्कूल की TC लेके जानी है, और जो आपने जहाँ पे लास्ट ईयर यानी आपने 12वीं पास करी है तो उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र आपके स्कूल में, या फिर आपने यदि कॉलेज कर ली है, बीए कर ली है, उसके बाद आप ये कर रहे हो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप स्कूल से ले लीजिएगा। यदि आपने 12th करी है तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, स्कूल में गए और सिंपली बन जाएगा। आगे देखिए, बोर्ड विश्वविद्यालय का माइग्रेशन मैंने आपको बता दिया। अब इन डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं 1 से 10 वाले, इनमें है देखिए आपको है 2 से 6 वाले हैं प्रवेश के लिए अत्यंत आवश्यक, यानी 2 नंबर से और 6 नंबर तक जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका एक तो आवेदन प्रपत्र हो गया यानी काउंसलिंग करवाया था वो, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा आपका हो गया मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, आपको डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और 2 से 6 वाले डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी है, कौन से, ये देखिए आपने जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसमें लिखे हुए हैं 2 नंबर से और 6 नंबर तक जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके लिए प्रवेश के लिए अत्यंत आवश्यक है, कंपलसरी है। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन से आपका काम चल सकता है। बाकी इनमें भी यदि आपके पास कुछ कमी है तो कॉलेज वालों से बात करिए, उनको मनाइए, यदि वो मान जाते हैं तो हो सकता है आपका काम चल जाए। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गए होंगे, इनकी सबकी आपको दो दो फोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब बात करते हैं कि जो परफॉर्म है वो परफॉर्म कैसे आपको बनाने हैं। अब देखिए, जो परफॉर्म में दे रखे हैं ये परफॉर्म में आपको बनवाने हैं, जो कि देखिए 1 से 5 तक है परफॉर्म में, तो 1 से 4 तक तो आपको कंपलसरी है, 1 से 4 तक तो सबको बनवानी है। बाकी 5वां जो परफॉर्मा है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको 5वां कौन सा है। ये 5वां आपका परफॉर्मा है OBC आवेदकों के लिए, जिनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक से 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, यानी आपका यदि जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो आपको है ये 5वां वाला परफॉर्मा भी बनवाना है, अन्यथा आपके 4 में ही काम चल जाएगा। 4थे नंबर का आपका है हेल्थ सर्टिफिकेट, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपका कहाँ बनेगा, तो देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट आपका बनेगा हॉस्पिटल में, कहाँ पे बनेगा, आप हॉस्पिटल में जाइएगा इसका प्रिंट लेके, और फिर हॉस्पिटल से आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसका देखिए सिंपल आप प्रिंट निकलवा लेना इसका, हेल्थ सर्टिफिकेट वाले का जो 4थे नंबर पे परफॉर्मा दे रखा है इसका, और फिर वहाँ से आप है अपना ये बनवा सकते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका हॉस्पिटल में बनेगा। इसके अलावा जो और बच गए, जैसे कि ये और परफॉर्म में है, ये बनेंगे आपके नोटरी की दुकान पे, यानी जो वकील होता है नोटरी होती है वहाँ पे ये बनेंगे, और स्टाम्प पे बनेंगे, स्टाम्प पेपर पे सिंपली इनको प्रिंट कर देगा वो, टाइपिंग नहीं करवाना, इनका प्रिंट निकला लेना है। आप उनको बता देना कि भैया इनका प्रिंट निकाल दो स्टाम्प पे, 50 का स्टाम्प या 100 का स्टाम्प, इसमें 50 का लिखा हुआ है लेकिन यदि आपके 50 का स्टाम्प नहीं मिले तो 100 के स्टाम्प पे आप करवा सकते हो। बाकी यदि और इनसे संबंधित आपको कुछ जानना हो तो आप अपने कॉलेज वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रवेश के लिए केवल 2 से 6 जो दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स आपके अलॉटमेंट लेटर में वो कंपलसरी है, बाकी कई कॉलेज वाले हैं ये जो आपके परफॉर्म हो गए ये बाद में भी ले लेते हैं, बाद में आपको जब कॉलेज में आप जाएंगे ना डॉक्यूमेंट जमा कराने तो आपको समझा देंगे कि ऐसे ऐसे आपको बनवाना है, और फिर आप वहां से आराम से अच्छी तरह प्रैक्टिकल सीख के कि कैसे आपको ये बनवाना है और फिर आप बना सकते हैं। तो ये कॉलेज में आप बात कर लेना, 2 से 6 वाले डॉक्यूमेंट्स अभी कंपलसरी है, बाकी परफॉर्म में अभी आप रेडी नहीं करवा पाते हो तो बाद में करवा लेना, जब आपकी कॉलेज में आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवा ले और एडमिशन ले ले। लेकिन उससे पहले आप कॉलेज वालों से जरूर बात कर लेना कि सर मेरे जो भी आपकी दिक्कत है अभी नहीं बनवा पा रहे हो, और बनवा लेते हो तो अच्छी बात है, बाकी बनवाने से पहले बात कर लेना। आपको कुछ भी डाउट कंफ्यूजन लगे कि परफॉर्म में कौन सा लगवाना है, स्टाम्प कैसे क्या होगा, वो भी आप पूछ सकते हो। सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है, इनका प्रिंट निकलवाना है सिंपली स्टाम्प पेपर पर। अब स्टाम्प पेपर 100 का भी आता है, 50 का भी आता है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है कि
आपको देखिए 50 रुपये का ये दे रखा है, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना है, तो उस पर आप करवा लेना ये, तो आप देख लेना ये सब कुछ आप करवा लेना और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप कॉलेज जा सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट कन्फ्यूजन रहे तो कॉलेज वालों से कॉन्टैक्ट करिएगा और ये आप डाउनलोड कर लेना rajuwas.org से, वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाला था वहीं पर मिल जाएगा, जहाँ से अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया उसी के नीचे स्टाम्प परफॉर्मे का दे रखा है, वहाँ से ये सब कुछ डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।